सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं चार ऐसी कंट्री के बारे में जो कि आपको इजीली वर्क परमिट दे सकते हैं 2019 में। आज हम बात करेंगे क्योंकि 2018 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि 2019 में कौन से ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए और जहाँ पर वर्क परमिट मिलने के चांसेस ज़्यादा हों। तो आज के वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि कौन सी ऐसी कंट्री है, तो सबसे पहला जो नाम आता है अभी मेरी जुबान पे वो है जर्मनी। जर्मनी क्योंकि अभी ये बात चल रही है कि जर्मनी में 2019 में तकरीबन 30 लाख लोगों को बुलाया जा सकता है। मतलब नया जो प्रोग्राम आ रहा है जो कि 2019 से स्टार्ट होने वाला है, उसमें 3 साल में 30 लाख लोगों को बुलाने जाने का यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया है। तो अगर आप जर्मनी जाना चाहते थे देन ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगा आपके लिए कि आप जर्मनी जाके जर्मनी में काम करके वहाँ पे कमा सकते हैं। यहाँ पे मेनली जो वैकेंसी आएंगी वो हैं ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड, और साथ ही साथ और भी कई सारे यहाँ पे फील्ड हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो कंट्री है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो है यूके, जिन्होंने की अनाउंसमेंट कर दी है कि उनको काफ़ी सारे सीजनल वर्कर की ज़रूरत होगी, और ये जो सीजनल वर्कर होंगे वो नॉन यूरोपियन कंट्री से होने चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर हम यूरोपियन कंट्री के लोगों को हटा दें देन ये इंडियंस के लिए या फिर जो एशिया स्पेसिफिक के लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली बात है, क्योंकि वहाँ पर आपको यूरोपियन की कंपटीशन तो नहीं मिलेगी कम से कम। बट ये जो वीज़ा दिए जाएंगे वो सीजनल वर्कर वाले वीज़ा होंगे जो कि 6 महीने वाले होते हैं, और 6 महीने बाद आपको वापस आना पड़ जाएगा। तो इस तरह से देखें देन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और एक बुरी चीज़ भी है। अगर आपको यूके जाना था देन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म रहना है देन ये आपके लिए बहुत बुरी चीज़ है। तो जिनके भी रिलेटिव वगैरह वहाँ पर हैं वो लोग उनसे कह के अपने लिए सीजनल वर्कर की जगह के लिए बातचीत करना स्टार्ट कर दें, या फिर अगर आप इंडिड देखते हैं देन इंडिड के माध्यम से भी आपको सीजनल वर्कर की जगह मिल जाएगी, या फिर आप मेरी वेबसाइट bncuniverse.co.in इसमें भी जाके आपको सीजनल वर्कर की जगह मिल जाएगी, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो कंट्री है वो है यहाँ पे जापान। जापान इसलिए मैं इसको तीसरी कंट्री कंसिडर करूँगा क्योंकि इन्होंने 3 लाख जो है वर्क परमिट वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिसाइड कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंट्री के लिए उन्होंने 3 लाख यहाँ पे जो है वर्क परमिट इशू करने का कहा है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या होती है एक स्पेसिफिक कंट्री को लेके। हाँ, पर ये प्रोग्राम जो है ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ कैसे बोलते हैं कि स्किल्ड लेबर के लिए है। जिन लोगों के पास भी कुछ टेक्निकल नॉलेज है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी लोगों के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। तो ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है TITP, इसमें आप अप्लाई करना चाहें देन NSDC जो कि दिल्ली में है उनके माध्यम से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे और भी सेंटर हैं जिनके माध्यम से ये प्रोग्राम चल रहा है। आप TITP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सेंटर एनरोल कर रहे हैं कैंडिडेट को और किस तरह से आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये सारा प्रोसेस आपको TITP की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा और आप जापान पहुँच सकते हैं। और जो 3 लाख लोग यहाँ पे जाएंगे उसमें से 50,000 लोगों को ये मौका दिया जाएगा कि वो लोग स्टे बैक कर सके जापान में। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जा सकती है अगर आप जापान जाना चाहते थे। देन यहाँ पे जो आखिरी कंट्री है वो है कनाडा। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि कनाडा में अभी नवंबर 6 तारीख को ये कंफर्मेशन दे दी है कि वो 2019, 20 और 21 में अपना इमिग्रेशन का कोटा बढ़ाने वाले हैं, और ख़ास करके इसमें वर्क परमिट और PR पे ध्यान दिया जाएगा, साथ ही साथ स्टूडेंट वीज़ा पे भी ध्यान दिया जाएगा। बट हमारा मेन जो आज का फोकस है वो है एक्सप्रेस एंट्री और PR, तो दोनों में आपको यहाँ पे मौका ज़्यादा मिलेगा कनाडा में। तो अगर आप सोच रहे थे कि कनाडा में अप्लाई करें देन 2019 आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा। आपको सिर्फ करना इतना है कि एक्सप्रेस एंट्री में अपनी प्रोफाइल बना के रखिए, जो भी PNP प्रोग्राम आ रहा है उसमें अप्लाई करते रहिए, आपका सिलेक्शन
हो जाएगा अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया वाली जो लिस्ट है उसमें अगर अपने आप को मैच कर सकते हैं तो ये थे चार कंट्री जहाँ पे आप जा सकते हैं इजीली, और वर्क परमिट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इन 2019। और साथ ही साथ और भी कंट्री है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, डेनमार्क हो गया, जो कि एक अच्छे यहाँ पे कैसे बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इंडियंस को। लेकिन मेरे टॉप 4 में यही चार आ रहे हैं। आप चाहें तो जॉब के लिए मेरी वेबसाइट bncuniverse.co.in इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इन चार कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क के लिए भी कुछ वैकेंसी है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है देन हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट का ही सहारा लें ताकि आप किसी फ्रॉड में ना पड़े। और ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन लाइक बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने कर रखा है देन अपने दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। सो ये था आज का वीडियो। दिस इज़ विश्वास साइनिंग ऑफ। स्टे कनेक्टेड।